बस एक मुलाकात ने पूरी जिंदगी का फैसला कर दिया। एक लड़के ने एक लड़की पे एहसान कर दिया, राइट? सर, एक अच्छे लड़के ने खुद एक कदम बढ़ा के मेरा हाथ थामा, बहुत बड़ी बात है। गलत बात है दिया, गलत सोच है, गलत फैसला। ये लो, चार कदम बढ़कर मैं आया हूं तुम्हारे पास, तुम्हारा हाथ थाम। अब बोल, अच्छा लड़का हूं, शादी करोगे मुझसे? शादी करोगे मुझसे? ये कैसा सवाल है? जवाब दो दिया, मुझसे शादी करोगे? मैं या मुझ जैसा कोई, या तुम्हारे सुबह जैसा ही कोई? अगर कोई तुम्हारे पास आता, तुम्हें प्रपोज करता तो कर लेती शादी? हाँ, कर लेती। कर तो रही हूँ, सुमित से शादी कर तो रही हूँ। He's a nice guy, अच्छा लड़का, that's it। अब ना मुझे कुछ सुनना है, ना मुझे कुछ कहना है, ना मुझे कुछ चाहना है। चल बोल, क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी उर्मी की चमची? बोल 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 बोल, मैं सुन रही। माय गॉड, क्या छटपटा रही थी। दीदी आपको कुछ बताना है, दीदी आपको कुछ बताना है, बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ। मैं हूं उस घर की मालकिन, गुलामी उर्मी की करोगे तुम लोग? ऐसा करती क्या है ये उर्मी, करती क्या है जो मेरे घर में सब के सब उसके दीवाने हो रखे हैं? देवी माए प्रसाद देती है जो सब उसकी पूजा करते रहते। बोल, सिया ने क्या बिगाड़ा आपका? लो, अब इनको भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, दिया ने मेरा क्या बिगाड़ा है। लेकिन बड़ी माँ, चुप। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ करते करते सब मेरे घर में घुस आते हैं, मेरे घर को धर्मशाला बना दिया है, और मेरे घर में आके मेरी ही बैंड बजाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ढोल बजाना मुझे भी आता है, समझी? सबको मेरे घर से बाहर निकालूंगी, एक एक करके सबको निकालूंगी, जीते जी नहीं निकलेंगे ना तो मार कर निकालूंगी। नहीं नहीं, दिया बहुत हिम्मत वाली है, वो कभी आत्महत्या नहीं करेगी। अच्छा, हिम्मत वाली है दिया, आत्महत्या नहीं करेगी। चलो कोई बात नहीं, दिया नहीं करेगी तो तू कर ले। एक शब्द और निकाला ना तो कल पेड़ से लटकी भी मिलेगी, समझी? लेकिन लेकिन बड़ी माँ, चुप। एक उर्मी रानी कम थी मेरे घर में, जब नौकरानी भी मेरे सर पर चढ़कर बोल रही है। हाँ बोलूंगी, दिया कायर नहीं है, वो आत्महत्या कभी नहीं करेगी। आत्महत्या हो या हत्या, मरेगी तो वो सरेगी तो, और उसकी आत्महत्या हत्या लगे इसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। या क्या बोल रही है बड़ी माँ? अब दिया के साथ कुछ मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बड़ी माँ। मत जोड़ो मेरे सामने, हाथ मत जोड़ो वरना हाथ तोड़ के फेंक दूंगी, समझी? एक बात कान खोलकर सुन ले, जब तक ये शादी का ड्रामा चल रहा है ना, चुपचाप यहाँ पड़ी रहे, फिर मैं तुझे तेरे गाँव भेज दूंगी। अगर जिंदगी प्यारी है ना तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो। बड़ी माँ, आप दिया की जान मत लीजिए बड़ी माँ। एक और बार अपना मुंह खोला ना तूने तो यही तुझे जिंदा काट दूंगी। हाँ बोलिए मामा जी, पहले आप खुद सिलेक्ट कर लीजिए किस सॉन्ग पे डांस करना है, देन स्टार्ट रिहर्सल। अरे यार, मैं ऋषि कपूर टाइप का आदमी हूँ तो कोई भी कपूराना गाना सिलेक्ट कर दे, बता कौन सा वाला है। अरे मिस्टर बहरा, आपको इनविटेशन कार्ड तो मिल गया ना,
देखिए शादी पे पक्का आना है आपको, नो एक्सक्यूजेस। हाँ ओके ओके ओके। रानी 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 चली गई, ठीक से चेक करो। हाँ चली गई मतलब? वो गांव चली गई। गांव चली? ओ मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, वो अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई तो उसे गांव जाना पड़ा। लेकिन हमें बताया नहीं उसने। घर में इतना शादी का काम है, तुम बिजी थी, वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। वैसे भी सबसे ज्यादा टेंशन तो उसे तुम्हारी रहती है, सो गई टेंशन। अब मतलब वो माँ की टेंशन थी ना, इसने माँ के पास गई। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? रानी हमें बताए बगैर कहीं नहीं जाएगी, गांव तक नहीं जाएगी वो। हाँ बताने तो आई थी वो तुम्हें, उस दिन हल्दी वाले दिन तुमसे बात तो करने आई थी, तुम बिजी थी ना डेकोरेटर के साथ, तब वो तुमसे यही बात करना चाह रही थी। तो आपने उसे हमें बताने क्यों नहीं दिया? अरे कहा ना कि वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, और मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, उसने मुझे कहा था, मैं बता रही हूँ तुम्हें। आपने उसे थोड़े पैसे दिए ना? थोड़े नहीं बहुत दिए। मैं समझती हूँ कि माँ क्या होती है, जानती हूँ कि उसे पैसों की जरूरत होगी, मैंने दिए पैसे, तुम टेंशन मत लो। और हाँ एक दूसरी मेड भी बुला रही है, आती होगी। लेकिन रानी इस तरह से हमें बिना बताए। शौर्य तुम कहाँ हो? ईशानी कब से तुम्हें ढूंढ रही है, तुम डांस प्रैक्टिस नहीं कर रहे? नहीं मैं नहीं। अरे सुन सॉन्ग सेलेक्ट करो, सैम बताओ इसे सॉन्ग, बताओ बताओ। बाबा जी मैं ये डांस वांस नहीं करने वाला। वन शॉट भाई प्लीज, डांस तो आपको करना पड़ेगा। तू करना, मुझे बख्श दे। अरे कोई भी सिंपल सॉन्ग पे कर लो ना, माना कि समय कम है और वैसे भी आप एके थोड़ी हो। तू और तेरा अशोक कुमार। हेलो एके बारे में कुछ मत बोलिए। अच्छा मेरी बहना तू डांस कर ले, और वो दिया डांस नहीं कर रही है क्या? कहाँ है वो? दिया ऊपर है सुमित के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 and 7 8 Okay, Sumit, come. 5 5 6 7 start. 1 2 3 4 5 6 7 turn. 1 2 3 4 5 6 and hold. Well done, very good. So let's go for last mantra. I need a break, a short break. Okay then, तब तक मैं बाकी सबकी रिहर्सल देख लेता हूँ। I'm impressed. तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। Thanks. You look beautiful. Sumit, please. Sumit! क्या 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 कर क्या रहे हो? अपनी होने वाली बीवी के साथ थोड़ा सा रोमांस, और क्या? होने वाली बीवी अब तक हुई नहीं। हाँ तो कल हो जाएगी। हाँ सुमित कल हो जाऊंगी, पर एग्जैक्टली कल और आज में क्या क्या फर्क है? सुमित सही तो कह रहे हैं। मैं इनकी होने वाली पत्नी हूँ, ये मेरे होने वाले पति हैं। आप कौन हैं? सर आप कौन होते हैं हमारे रिश्ते तय करने वाले? मैं कौन हूं? तो मैं तय कर रहा हूं रिश्ता तुम्हारा, और ये तुम कह रही होती है? ये जो सुमित कर रहा था वो क्या क्या कर रहा था? मशहूर बताओ, बोलो ना। नेवर माइंड, मेरी होने वाली बीवी ने कह दिया ना
तो तुम बीच में ना बोलो तो अच्छा होगा। प्लीज लीव अस अलोन। लीव श्योर। दिया इसे कहो कि यहां से जाए। हाँ हाँ सब। वाह, इसे कहते हैं प्यार, संस्कार, रिश्ते की शर्म भी और पत्नी का धर्म भी। पति पर किसी ने उंगली उठाई तो तुम ढाल बनकर खड़ी हो गई। वाह दिया, तुम तो अभी से ही मेरा पति मेरा देवता है। Nice. दिया अपने होने वाले पति के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है, करने दो। तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? चलो तुम अपनी प्रैक्टिस पूरी करो। सुमित सॉरी, तुम जितना चाहो अपनी होने वाली पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, रोमांस कर सकते हो। कह रही हूं चलो शौर्य। शौर्य अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत की फिक्र करो। चलो दिया तुम क्यों नहीं कहती शौर्य से कि वो यहां से प्लीज जाइए। शौर्य तो इस कमरे से गया है, लेकिन तुम इस दुनिया से चली जाओगी दिया, और फिर ये दुनिया देखेगी शादी का खौफनाक लाइव टेलीकास्ट। दुनिया में तुम्हारी एंट्री चाहे जैसी भी हुई, पर एग्जिट शानदार होगी दिया तिवारी। तू होगी वन टू टू what to do oh ho gayi munde di patanga varigi tu ave uddi di oh ho gayi munde di hilla te chal di tuk tuk tu kar di makeup tu kar di ya angrezi pad di git pit tu kar di jimme queen saadi victoria tu kanti big ben di pura london वाली सिस्टर, दुल्हन की मेहंदी में दूल्हे का नाम लिखा है कि नहीं? नाम का अक्षर पहले ही लिख दिया है मैडम। इस सस्पेंस में लिखा है कि नहीं? दूल्हे को मिलना नहीं चाहिए? ढूंढते ही रह जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, देखते हैं कौन किसे ढूंढता है। शादी की यही सारी रस्में तो होती है जो खुशी देती है, धूम मचाती है, बस विदाई की रस्म रुलाती है। बहुत रुलाएगी इस बार। After all, दिया हम सबके इतने करीब जो आ गई है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। सच है भाई, दुल्हन को दुख होगा वो तो होगा, लेकिन फिलहाल दूल्हे को दुख होगा और दुल्हन उसे घुमा रही है। हाँ क्यों जीजा जी? बिल्कुल ठीक कहा तुमने आलोक। देखते हैं कौन घूमता है और कौन घुमाता है।
आपने यूरोप के जो 3 ईयर टिकट बुक करवाए थे वो हो गए। वेरी गुड, कल मिल जाएंगे आपको। हाँ लेकिन याद रहे कि टिकट्स मुझे मेरे हाथ में ही चाहिए। ओके मैम। ईशानी शौर्य कहीं बाहर गया है क्या, दिखाई नहीं दे रहा? बड़े पापा, भाई तो घर पे ही है पर पता नहीं क्यों दिख नहीं रहे कहीं। ये मेरे होने वाले पति हैं। आप कौन हैं? सर आप कौन होते हैं हमारे रिश्ते तय करने वाले? भाई क्या कर रहे हो यार, कितने पियोगे? हालत देखी अपने अपनी, आज से पहले कभी पिए इतनी? आज से पहले वो है जो आज हो रहा। भाई आप ही की गलती है ना। मेरी गलती, वो सुमित से प्यार करती है मेरी गलती, सुमित से शादी कर रही है मेरी गलती, सुमित के सामने मुझसे कहती है आप कौन, मेरी गलती, सुमित के सामने मुझे इतना नीचे गिराती मेरी गलती, मैंने उससे प्यार किया ये मेरी गलती। हाँ आप ही की गलती है भाई, भाई आपकी गलती ये है कि आपने उसे प्यार किया और उसको बताया नहीं कि आप उससे प्यार करते। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि आप प्यार करते हो उससे। बताया आपने उसे? गया था ना बता दे। क्या हुआ? उसने मुझे बता दिया कि वो शादी कर रही है। भाई शादी कर रही है, प्यार नहीं करती उससे, अभी भी वक्त है, सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। प्लीज जाओ और जाके बता दो ना अपने दिल की बात, एक बार बोल दो कि आप कितना प्यार करते हो। सर अपने कमरे में भी नहीं है तो कहाँ है? कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, कहाँ जाओ, मंडप मंडप पे जाके कहो उसमें आए आई लव यू डियर। पागल है क्या? अब हो गया, अब देर हो गई चीकू, अब तो उसके हाथ में वो सुमित की मेहंदी भी लग गई, उसने लगाई, चाहती है वो सुमित? नहीं भाई मुझे ऐसा नहीं लगता। लगता नहीं, लगती है चीकू, क्या लगती है? एक दिन में वो सुमित की होगी, एक पल में मुझे पराया कर दिया, इससे पहले तो हमेशा सर 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 सर, और अब सुमित को चाहती है, अब सुमित के सामने कहती है हम आपके एक हो। सब खत्म हो गया चीकू भाई, फिनिश। भाई आपका दिमाग खत्म हो गया है, अभी भी कह रहा हूं प्लीज जाओ और जाके उसको बोल दो कि कितना प्यार करते हो इससे पहले कि दिया भी इस घर से चली जाए। अरे चली जाए ना, अच्छा चली जाए, दुआ करूंगा जा जाए खुश रहे, मैंने प्यार किया है उससे यार। आई लव यू डियर, आई लव यू डियर, आई लव यू, आई लव यू। चीकू यू लव मी? भाई भाई हम सब आपको बहुत चाहते हैं और मैं दिया को बहुत अच्छे से जानता हूं, ऐसी नहीं है, वो आपको बहुत मानती है। जानती तक नहीं है, मानती थी जब वो तो मेरी जरूरत थी, अब नहीं है, अब तो वो मिल गया वो सुमित, अब वो सुमित से प्यार करती, सुमित की रिस्पेक्ट करती, सुमित की दीवानी, हर बात बस सुमित सुमित सुमित। चेहरा देखा तूने उसका, तो वो उसके साथ थी, मैंने देखा, अब नहीं देखना मुझे, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, एक दिन के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं। नफरत करता हूं मैं दिया तुम्हारी, नफरत करता हूं मैं, आई हेट यू दिया तिवारी, आई हेट यू। उसके चेहरे से, उसके नाम से नफरत हो गई। अच्छा जा रही, कल जाती है, मैं तो बोलता हूँ आज, मैं तो बोलता हूँ आज। अरे
ये 24 घंटे कैसे निकलेंगे? एक एक पल भारी तो उसके नाम से भी नफरत है मुझे। I hate you, दिया तिवारी, I hate you.